गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ प्रियंका यादव, RBS पॉलिटेक्निक कॉलेज भिजपुरी आगरा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रांसड्यूसर के यूनिट वन के लेक्चर फर्स्ट के रिगार्डिंग हम बात करेंगे, जो है बेसिकली द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांसड्यूसर की हमने एक लेक्चर सीरीज जो आपको प्रियंका इलेक्ट्रॉनिक्स कंसेप्ट यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके इसी चैनल पे पूछ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा, यह पहले भी बताया है कि यह जो क्लास है वो आपकी बायलिंगुअल रहेगी। अगर फिर भी अगर आपको किसी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांसड्यूसर का यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। एक्चुअली इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एक ब्रांच है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की, जो डील करती है आपके पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को। दैट मीन्स कि हम इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की स्ट्रक्चर, उनके एप्लीकेशंस, उनके ऑपरेशंस, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। और ये पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कौन कौन सी हो सकती हैं, वो हो सकती है थायरिस्टर हो सकती है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर हो सकता है, एसी ड्राइव्स हो सकती हैं, सेंसर्स हो सकते हैं, मोटर हो सकती है, मीटर हो सकते हैं, एनालाइज़र हो सकते हैं, रिलेज एंड टाइमर्स हो सकते हैं। एक्चुअली इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स वह फील्ड है जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल पर बेस्ड एप्लीकेशन का अध्ययन पावर लेवल के आधार पर करते हैं। किसके आधार पर करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल एप्लीकेशन का पावर लेवल के आधार पर हम अध्ययन करते हैं। यहाँ पे जो भी पावर रेटिंग होती हाई होती है और वो आपके सेवरल फ्यू हंड्रेड वॉट से मेगावाट तक जा सकते हैं और मेगावाट से गीगावाट तक जा सकते हैं। ठीक है, अगर हम बोले इन नेक्स्ट फेज अगर हम बात करते हैं, इंडस्ट्रियल जो इलेक्ट्रॉनिक्स है इज़ नथिंग बट अ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ आ जाए या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ आ जाए, एक्चुअली सब्जेक्ट बेसिकली अलग अलग हैं कह सकते हैं, लेकिन उनका जो मीन है, जो उनका सार है, वो क्या है, एक ही है। डिप्लोमा में हम इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बीटेक में यही सब्जेक्ट हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से पढ़ते हैं। अब आप पूछेंगे व्हाट इज़ द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। एक्चुअली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंजीनियरिंग, फर्स्ट इज़ पावर इंजीनियरिंग एंड सेकेंड इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। नाउ व्हाट इज़ द पावर इंजीनियरिंग? पावर इंजीनियरिंग वह ब्रांच है जिसमें हाई एफिशिएंसी पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन के बारे में स्टडी की जाती है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में क्या किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में लो पावर पर डेटा तथा सिग्नल का डिस्टॉर्शन लेस प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन का स्टडी किया जाता है। तो हम पावर इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो वहाँ बात करते हैं हम हाई लेवल की, और यहाँ हम बात इलेक्ट्रॉनिक्स में हम बात करते हैं लो लेवल पर सिग्नल के रिसेप्शन की, उसके प्रोडक्शन की, उसके ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन की। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जो इफ़िशेंसी होता है वो मेजर फैक्टर नहीं होता, लेकिन जब हम पावर इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर इफ़िशेंसी ऑफ मेजर फैक्टर, जिसे हम उसको नहीं कर सकते। अब हमने दोनों पावर इंजीनियरिंग और जब हमने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को दोनों को कंबाइन किया तो हमारा एक नया वर्ड मिला, दैट इज़ योर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। नाउ व्हाट इज़ द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ द एप्लीकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टू कंट्रोल एंड कन्वर्जन ऑफ हाई इलेक्ट्रिक पावर। क्या मतलब है इसका? एक्चुअली पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की हेल्प से हाई इलेक्ट्रिक पावर का कंट्रोल कर सकते हैं, हाई इलेक्ट्रिक पावर को कंट्रोल कर सकते हैं और उनका कन्वर्जन कर सकते हैं। किसकी हेल्प से कर सकते हैं? आपकी जितनी भी सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उसकी हेल्प से। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली जो कन्वर्जन होता है वो आपके मिलीवाट से मेगावाट्स में, मेगावाट से गीगावाट्स तक हम इनका कन्वर्जन कर सकते हैं।
तो अगर हम बात करें सब इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो यह एक ऐसा ब्रांच है जो बेसिकली आपके डिज़ाइन के बारे में बात करता है, आपके कंट्रोल के बारे में बात करता है, कंप्यूटेशन इंट्रीगेशन किस किस का करता है, नॉन लीनियर टाइम वेरिंग एनर्जी प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम विथ फास्ट का मीनिंग है आपकी जो भी लीनियर डिवाइस या जो सिस्टम्स हैं उनकी फास्ट डायनेमिक्स के रिगार्डिंग आपका ये सब्जेक्ट बात करता है। अब आप पूछेंगे कि व्हाट इज़ द नॉन लीनियर, जैसे टाइम नॉन लीनियर, चलिए पहले नॉन लीनियर को समझते हैं, उसके बाद टाइम वेरिंग एनर्जी प्रोसेसिंग सिस्टम्स को समझेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा नॉन लीनियर का मीनिंग क्या होता है, नॉन लीनियर वो डिवाइसेस होती हैं जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कभी भी ओरिजिन को पास नहीं करते और कभी स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकते। अगर स्ट्रेट लाइन भी होगी तो वो कभी भी आपका किससे पास नहीं होगी, ओरिजिन से पास नहीं होगी। दैट मींस कि अगर कोई भी फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर कोई डिवाइस लीनियर है, ये बात कर रही हूँ मैं लीनियर की, तो वो आपके किससे पास होगी, ओरिजिन से पास होगी इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन। फाइन, ये तो किसकी बात हो गई, लीनियर की। ये किसकी बात हो गई, लीनियर। फाइन, अगर हम इसी रिस्पेक्ट में बात करें किसकी, नॉन लीनियर की। नॉन लीनियर डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो बेसिक जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कभी भी ओरिजिन को पास नहीं करेगी। स्ट्रेट लाइन हो सकती है लेकिन ओरिजिन को पास नहीं करेगी, तो ये क्या हो गया, नॉन लीनियर। ओके, अगर हम दूसरे रिस्पेक्ट में बात करें, ये क्या हो रहा है, इट इज ऑल्सो नॉन लीनियर। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल और ओरिजिन से भी पास नहीं हो रहा है, सो इट इज़ ऑल्सो अ नॉन लीनियर डिवाइसेस। तो एक्चुअली क्या होता है कि जितने भी सेमीकंडक्टर जो डिवाइसेस होती हैं वो आपकी कैसी होती हैं, वो सभी नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स को जनरेट करती हैं। फाइन, तो आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है बेसिकली जो आपका जितनी भी नॉन लीनियर डिवाइसेस होती हैं जिनका जो टाइम वेरिंग डिवाइसेस होती है, जो टाइम के साथ जिनका कैरेक्टरिस्टिक्स जिनकी परफॉर्मेंस वेरी कर सकती है, उनका डिज़ाइन करता है, उनका कंट्रोल करता है, कंप्यूटेशन करता है और उनका इंटीग्रेशन का काम करता है। नेक्स्ट है आपका ब्लॉक डायग्राम ऑफ टिपिकल पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। अब आप इसमें देख रहे हैं आपका एक है रेफरेंस सिग्नल, कंट्रोल यूनिट, डिजिटल सर्किट्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, मेन पावर सोर्स आपका लगा रखा है, लोड लगा रखा है, ये है आपका फीडबैक सिग्नल। बेसिकली फीडबैक सिग्नल जो भी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज़ नथिंग बट अ सेंसर्स। कंट्रोल सिग्नल क्या करेगा, आपके लोड सिग्नल है या जो आपका आउटपुट है उसको आपके रेफरेंस सिग्नल से कंपेयर करेगा, तब तक कंपेयर करेगा जब तक कि आपको डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं मिल जाता। फाइन, आपका डिजिटल सर्किट्स जो भी हैं आपके, आइदर वो माइक्रो प्रोसेसर्स हो सकते हैं, माइक्रो कंट्रोलर्स हो सकते हैं, उनका यूज़ करके आप अपने इस सिस्टम को बेसिकली क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स की। ये पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं जो बेसिकली हम इसमें ये मेजर फैक्टर प्ले रोल मेजर रोल प्ले करते हैं आपका, जो बेसिकली आपके पावर का कन्वर्जन का काम करते हैं। ओके, फर्स्ट हमने क्या किया, कंट्रोलिंग, एंड लास्ट हम फेज पे क्या कर रहे हैं, उसका कन्वर्जन। फाइन, सो कन्वर्जन यहाँ पे अगर देखें तो ये कन्वर्जन सिस्टम जो है वो बहुत 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 ही इम्पॉर्टेंट है। तो पावर कन्वर्जन अगर हम देखें तो आपका पावर कन्वर्जन बहुत टाइप्स का हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमने इनपुट और आउटपुट के रिगार्डिंग चार तरीके के कन्वर्टर्स की बात की है। फर्स्ट है आपका AC to DC कन्वर्टर है, जिसे हम बोलते हैं बेसिकली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर बोलते हैं या हम रेक्टिफायर बोलते हैं, जो क्या करता है आपका फिक्स्ड AC वोल्टेज को वेरिएबल DC में कन्वर्ट करता है। ये क्या करता है, रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर का काम है फिक्स्ड AC
टू वेरिएबल वेरिएबल डीसी। तो रेक्टिफायर क्या करता है आपका, फिक्स्ड एसी वोल्टेज को वेरिएबल डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। ओके फाइन। अब हमारा डीसी कन्वर्टर क्या कर, डीसी टू डीसी कन्वर्टर, ये बेसिकली आपके डीसी चॉपर्स होते हैं जिनका काम होता है आपका फिक्स्ड डीसी टू वेरिएबल और कंट्रोल डीसी। ये आपको डीसी से डीसी में ही कन्वर्ट करते हैं, लेकिन फिक्स्ड डीसी से फिक्स्ड डीसी, इनका काम क्या होता है, फिक्स्ड डीसी टू वेरिएबल डीसी, ये किस में कन्वर्ट करते हैं, फिक्स्ड डीसी टू वेरिएबल डीसी। फाइन। नेक्स्ट है आपका एसी टू एसी कन्वर्टर, ये वोल्टेज रेगुलेटर्स होते हैं आपके एसी टू एसी, आप जिनका जिसका बेसिक जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो होता है आपका कन्वर्जन फिक्स्ड एसी टू वेरिएबल एसी, ये वेरिएबल एसी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट है आपका डीसी टू डीसी कन्वर्टर, डीसी टू डीसी कन्वर्टर जितने भी होते हैं आपके इनका बेसिक काम होता है आपका फिक्स्ड डीसी टू वेरिएबल एसी में, इनका काम क्या होता है आपका, किसका, इन्वर्टर, हम बात किसकी कर रहे हैं, इन्वर्टर की। और इसका काम क्या होता है आपका, फिक्स्ड डीसी टू वेरिएबल एसी। फाइन। अब वेरिएबल एसी क्या क्या कंसिस्ट करेगा, वेरिएबल एसी आपका वेरिएबल एम्पलीट्यूड को कंसिस्ट करेगा और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी को। फाइन। तो आपका बेसिकली आपके पावर सिस्टम में या पावर जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं आपके उसमें कन्वर्टर्स जो है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं, बिकॉज हमारा बेसिक कंसर्न ये होता है कि आप वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करें। ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स के एडवांटेजेस के बारे में। फर्स्ट है आपका टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, दैट मीन्स कि आपका एडवांटेज होता है आपका एक फॉर्म को एक फॉर्म के एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, कहाँ से, सोर्स टू लोड तक। ठीक है। सेकंड है आपका हाई इफिशियंसी, हाई इफिशियंसी कब हो क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे हाई इफिशियंसी का मेन जो रीज़न है वो है आपका पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में जो लॉसेस होते हैं वो आपके मैकेनिकल सिस्टम के रिगार्डिंग काफ़ी कम होते हैं, इसलिए इनकी इफिशियंसी क्या होती है, फास्ट होती है, हाई होती है, सॉरी। नेक्स्ट है आपकी हाईली अवेलेबिलिटी, हाईएस्ट अवेलेबिलिटी के रिगार्डिंग बात है कि अगर इसकी जो जितनी भी जो इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेज है अगर वो हाईली अवेलेबल होंगी तो उनका जो प्रोडक्शन होगा वो आपका क्या होगा, एक मास प्रोडक्शन आप उसका कर सकते हैं, मीन्स आप बल्क में उनका प्रोडक्शन ईजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हाईएस्ट रिलायबिलिटी, आपके जितने भी पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं या मेमोरी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो आपका क्या होता है, हाईली विश्वसनीय होते हैं, आपका ऐसा नहीं है कि वो उनका जो लाइफ स्पैन है, जो अगर हम बोले कि उनका जो रिलायबिलिटी उनकी काफ़ी हाई होती है, आप उनको विश्वसनीय होते हैं क्योंकि उनका काम का जो परफॉर्मेंस होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, जिससे कि आप उन पर विश्वास कर सकते हैं कि वो काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन तक आपका काम करेंगे। नेक्स्ट है आपकी लोएस्ट कॉस्ट, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में बहुत यूज़ करते हैं, बहुत ही बल्की होते हैं और क्या कहते हैं, मूविंग पार्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं आपके।
ठीक है, तो उनकी जो कॉस्ट होती है, क्योंकि मास प्रोडक्शन कर सकते हैं तो आपकी कॉस्ट क्या हो जाती है, कन्वर्टर जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो आपको बल्क में मिल जाते हैं, तो उनकी कॉस्ट क्या हो जाती है, लो हो जाती है। नेक्स्ट है आपकी स्मॉल साइज़ एंड लीस्ट वेट, क्योंकि मैंने आपको बोला कि इसमें कोई भी आपके मूविंग पार्ट नहीं होता, काफ़ी ज़्यादा हो गया स्मॉल आ जाते हैं, नहीं है मेंटेनेंस काफ़ी लॉस। और नेक्स्ट है आपका फास्ट डायनेमिक रिस्पॉन्स। फास्ट डायनेमिक रिस्पॉन्स आपका इसका, क्योंकि फास्ट डायनेमिक रिस्पॉन्स हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि रिसेंटली जितने भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज हैं, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, दे ऑल आर वर्कड ऑन अ विच आर इंट्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर बाय इन रिस्पेक्ट ऑफ द आईसीज। और आप जानते हैं जो भी आईसीज होती हैं उनका जो रिस्पॉन्स होता है वो काफ़ी फास्ट होता है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिलता है, इसलिए हम बोलते हैं फास्ट डायनेमिक रिस्पॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट है, हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट पे, दैट इज़ योर डिसएडवांटेज। अगर हम इसके डिसएडवांटेज के रिगार्डिंग बात करें तो फर्स्ट जो डिसएडवांटेज है वो है आपका कन्वर्टर सर्किट इंजेक्ट्स कंसिडरेबल हार्मोनिक्स बोथ द साइड्स टू द कनेक्टेड लोड साइड एंड टू द पावर सोर्स साइड। इसमें क्या होता है, आपके जितने भी कन्वर्टर्स, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि जितने भी कन्वर्टर साइड हैं वो आपके इनपुट साइड में और लोड साइड में हार्मोनिक्स क्रिएट करते हैं। और हार्मोनिक्स का मीन्स क्या होता है, अ डिस्टर्बेंस इन अ वोल्टेज और द करेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या करेंट सिग्नल। जैसे कि कहने का मीनिंग ये है, हार्मोनिक्स का मीनिंग क्या है, डिस्टर्बेंस। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि अगर आपको ये एक वेव फॉर्म मिल रही है आपके वोल्टेज आइदर करंट की, तो इसमें क्या होंगे, आपको क्या मिलेंगे, डिस्टर्बेंस मिलेंगे। आपकी वेव फॉर्म आपको स्मूथ ना मिलके कैसी मिलेगी, डिस्टर्ब मिलेगी। फाइन, डिस्टर्ब मिलेगी। अब इनका इनका डिस्टर्बेंसेस का रीज़न क्या होता है, इनके डिस्टर्बेंसेस का जो रीज़न होता है आपका आपका कि आपका होता है कि नॉन लीनियर डिवाइसेस की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जैसे कि मैंने आपसे बोला नॉन लीनियर डिवाइसेस क्या होती है, दे आर गोइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन लीनियर डिवाइसेस नॉट गो थ्रू द ओरिजिन, सॉरी लाइक दिस। ठीक है, तो ये ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो आपकी कभी भी ओरिजिन से पास नहीं होती हैं। तो और जो भी नॉन लीनियर डिवाइसेस होती हैं, जितनी भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है वो नॉन लीनियर है, और उनकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, वो उनका नेचर होता है कि वो हार्मोनिक्स प्रोड्यूस करेंगे, कि वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। अब वो किस टाइप के डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं वो डिपेंड करता है कि विच टाइप ऑफ हार्मोनिक्स आर जनरेटेड इन द सिग्नल। अब हार्मोनिक्स कैसे होते हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा आपका जो सिग्नल है वो आपको ऐसे मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा ये, ठीक है। अगर ये क्या है, एक सेकंड में आपको क्या मिल रहा है, एक साइकिल मिल रही है आपकी वोल्टेज सिग्नल की, ठीक है। अगर इसी में आपको कितनी साइकिल मिल रही है, अब दो साइकिल, तो हम इसको बोलेंगे सेकंड हार्मोनिक। अगर इसी तरीके आपके सिग्नल में हमें कितनी मिल जाएँ, थ्री साइकिल्स मिल जाएँ, तो हम उसे बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक। और ये सारे हार्मोनिक जो भी फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक्स आप कह सकते हो, ये सारे के सारे मिलकर आपके सिस्टम को, आपके जो सिग्नल है उसको क्या कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। डिस्टर्ब कैसे करेंगे, सारे के सारे हार्मोनिक्स मिले और आपका सिग्नल का जो वेव फॉर्म था वो ऐसे मिलेगा। फाइन,
तो इन हार्मोनिक्स को आप किसी एक सर्टेन एक्सटेंट तक कम कर सकते हो, इनको कम्प्लीटली आप अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि ये एक नॉन लीनियर डिवाइसेस से कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। ठीक है, फर्स्ट ये हो गया डिसएडवांटेज। सेकंड डिसएडवांटेज है आपका लो पावर फैक्टर। लो पावर फैक्टर इज, जब भी आपका पावर फैक्टर लो होगा तो उस केस में क्या होगा आपका, उस केस में आपकी जो करंट होगी वो बहुत ज़्यादा हाई होगी। ठीक है, और करंट जब ज़्यादा हाई होती है तो हमें जो कंडक्टर का साइज़ होता है वो काफ़ी हद तक बढ़ाना पड़ता है। जो कंडक्टर का साइज का होता, कंडक्टर का दैट मीन्स कि आपका अगर हम जो लोडिंग इफेक्ट है वो क्या होता है आपका, एक्चुअली क्या होता है, लोड जो होते हैं वो क्या होते हैं, लोड क्या होते हैं आपके, इंडक्टिव होते हैं। लोड क्या होते हैं, इंडक्टिव। लोड क्या होते हैं, इंडक्टिव होते हैं। और जब भी ये इंडक्टिव होंगे तो लो लैगिंग पावर फैक्टर को क्रिएट करेंगे, जिससे कि क्या होगा आपका, करंट बढ़ेगी, करंट बढ़ेगी तो कंडक्टर का साइज़ बढ़ेगा, फॉर सप्रेस द इफेक्ट ऑफ द लैगिंग फैक्टर, एंड उससे क्या होगा आपकी कॉस्ट काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। तो आपके इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो नेक्स्ट डिसएडवांटेज है वो है आपका लो पावर फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन। कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन एक्चुअली इसलिए कहते हैं क्योंकि एक चीज़ को सप्रेस करने के लिए हमें एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करनी पड़ती है। तो हम अगर हम कंपैरिजन करते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम से या मैकेनिकल सिस्टम से तो डिज़ाइन सिंपल होता है, लेकिन अगर हम ओवरऑल वैसे सिस्टम की बात करें तो हम कह सकते हैं कि आपका जो सिस्टम है वो क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। फाइन, एंड लास्ट है आपका आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की लो ओवरलोड कैपेसिटी। लो ओवरलोड कैपेसिटी का मीनिंग ये है, क्योंकि आपको पता है जितने भी पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है वो हाई रेटेड वोल्टेज एंड करंट पे काम करते हैं, जिसकी वजह से कंडीशन क्या होती है आपकी, जिसकी वजह से आपका क्या कंडीशन क्रिएट होती है, बर्निंग ऑफ द डिवाइसेज, हॉट स्पॉट्स बन जाते हैं आपके बर्निंग के। और इन हॉट स्पॉट की बर्निंग को कम करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा सर्किटरी, एक्स्ट्रा का प्रोटेक्शन लगानी पड़ती है, जिन्हें हम बोलते हैं स्निबर सर्किट्स। और ये सर्किट्स लगाने से हमारी अगेन क्या हो जाती है, कॉस्ट काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बोला है कि जितना भी नॉइसेस है वो आप ओवरकम कर सकते हो एक सर्टेन एक्सटेंड तक। हार्मोनिक्स जो भी हैं वो आप कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते, एक सर्टेन एक्सटेंड तक उनको कम कर सकते हैं। तो ये तो बात रही आपके डिसएडवांटेजेस की। नेक्स्ट हमें हमारा मिलता है हमें एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। एक्चुअली वैसे तो देखा जाए कि आपका इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो एप्लीकेशन बाउंड्री है वो आपका लिमिटेड नहीं है। ठीक है, वो अनलिमिटेड है। तो अगर हम उसके रिगार्डिंग, कुछ एप्लीकेशंस के रिगार्डिंग हम बात करते हैं तो वो है, फर्स्ट में है आपका एरोस्पेस। अगर हम एरोस्पेस की बात करते हैं तो हम बात करते हैं एयरक्राफ्ट लैंडिंग की, मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम की, रडार नेविगेशन सिस्टम्स की, ठीक है, एयरक्राफ्ट सिस्टम्स की, ठीक है, स्पेस शटल, अगर हम बात करें स्पेस शटल्स की, स्पेस शटल पावर सप्लाईज की, सैटेलाइट पावर सप्लाईज की, तो ये हम बात करते हैं। इसमें हमें पावर इलेक्ट्रॉनिक, सॉरी, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स के बारे में बताया जाता है। सेकेंड है आपका ट्रांसपोर्टेशन। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन एप्लीकेशंस के रिगार्डिंग बात करते हैं तो आपका इसमें बैटरी चार्जर्स हमें यूज़ करने पड़ते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, स्ट्रीट कार्स हैं, ट्रॉली बसेस हैं, सबवेज हैं, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। तो हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का या इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स का ये एप्लीकेशन कहाँ यूज़ करते हैं आपका, ट्रांसपोर्टेशन में, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, करते हैं। इन योर टेली कम्युनिकेशन, आपकी UPS की बात कर रहे हैं हम, या जनरली आपके घरों में, या क्या, सॉरी, आपके जितने भी एक्सचेंजेस होते हैं, टेलीफोन एक्सचेंजेस होते हैं फॉर द टेली कम्युनिकेशन, आप वहाँ पे हम अपने पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ करते हैं फॉर ट्रांसमिशन ऑफ द डाटा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कमर्शियल।
अगर कमर्शियल पर्पसेस की बात करें तो आपका जैसे कि आप घरों में वो एडवर्टाइजमेंट कंपनीज़ में यूज़ करते हैं, हीटिंग में यूज़ कर सकते हो, एसीज़ में यूज़ कर सकते हो, आपका रेफ्रिजरेशन में हम यूज़ करते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, कंप्यूटर्स में हम यूज़ करते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। एलिवेटर्स जो आपने देखा होगा, एलिवेटर्स आपके लगे होते हैं मॉल्स वगैरह में, हम उसके बारे में बात करते हैं। लाइट जो डिमर्स होती हैं, लाइट डिमर्स में हम इनका यूज़ करते हैं, और आपके फ्लैशर्स जो लाइट फ्लैश करती हैं उसमें भी हम इसका कमर्शियल पर्पज़ से यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका रेजिडेंशियल। रेजिडेंशियल आप जैसे अपने घरों में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट्स के आप यूज़ करते हो, लाइक योर एसी कंडीशनिंग, आपका आपका फूड मिक्सर्स हैं, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स हैं। आप देख रहे हो आजकल इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स आ गए हैं, क्योंकि बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं वो इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स बना ले रखे हैं कि उसको थोड़ा सा आप वार्म कीजिए अपने इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स को, और उसके बाद आप आराम से ओढ़ कर उनको सो जाइएगा। फाइन, नेक्स्ट है आपका यूटिलिटी सिस्टम्स। यूटिलिटी सिस्टम्स जो है बेसिकली आपके बहुत सारे हैं, जैसे कि आपके स्टैटिक सर्किट्स हैं, सर्किट ब्रेकर्स हैं, आपके फैंस हैं, बॉयलर फीड पंप्स हैं, सप्लीमेंट्री एनर्जी सिस्टम्स हैं, जैसे कि मैंने नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, जैसे कि सोलर है, विंड सिस्टम्स हैं, इसमें भी हम क्या यूज़ करते हैं अपने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत ही बहुतायत रूप में यूज़ किया जा रहा है। और आपके यूटिलिटी सिस्टम का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपका हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन, दैट इज़ HVDC। इसमें हम ये आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। फाइन, और नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। जैसे कि मैंने आपसे बोला, बहुत सारी मिल्स हैं, आपकी रोलिंग मिल्स हैं, टेक्सटाइल मिल्स हैं, सीमेंट मिल्स हैं, वेल्डिंग मिल्स हैं, एंड पंप्स एंड कंप्रेसर्स आप जहाँ बनाए जाते हैं, ब्लोअर्स बनाए जाते हैं, जहाँ पे फैंस बनाए जाते हैं, उन सारी इंडस्ट्री जो आर्क या इंडस्ट्रियल जो फर्नेसेस हैं उसमें हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को एज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के रिगार्डिंग यूज़ कर सकते हैं। तो एज अ होल अगर आप देख रहे हो कि आपका, हम बात करें कि इलेक्ट्रिक पावर जो कंजम्पशन है इन यूटिलिटी सिस्टम, या बात करें इन जनरल एस्पेक्ट में, वो 80% हम पावर कंजम्पशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर हम आगे के ईयर्स में बात करेंगे तो हम इलेक्ट्रिक पावर कंजम्पशन विद द हेल्प ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 100% कर पाएंगे। तो आई होप आपको वो लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके, प्रियंका इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट यूट्यूब चैनल पे जाके कमेंट कर सकते हैं, कोई भी टॉपिक के रिगार्डिंग बात कर सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक आगे पढ़ना है तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सीरीज़ में हम बात करेंगे आपके थायरिस्टा के बारे में। थैंक यू।